सुपर हीरोज अकेले ही बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन जब वो अपने जैसे और सुपर हीरोज के साथ मिलकर एक टीम बन जाते हैं तब तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बड़े से बड़े विलन को भी धूल चटा सकते हैं। और बात करें एमसीयू की, तो एमसीयू के अंदर भी हमें ऐसी बहुत सी पावरफुल सुपर हीरो टीम्स नजर आ चुकी है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू की उन्हीं पावरफुल सुपर हीरो टीम्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि इन सुपर हीरो टीम्स को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन एक चीज मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उन पावरफुल सुपर हीरो टीम्स की लिस्ट है जो टीम्स एमसीयू के अंदर सबसे पावरफुल हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। तो अब जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बिना किसी फिक्र के आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द डिफेंडर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी सुपर हीरो टीम है जो कि न्यूयॉर्क सिटी को ग्राउंड लेवल पर प्रोटेक्ट करती है। बात करें इस टीम के मेंबर्स की, तो इस टीम के अंदर डेयर डेविल, जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट और ल्यूक के जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। और अब क्योंकि डेयर डेविल ऑफिशियली मार्वल का पार्ट बन चुका है, इसीलिए अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये द डिफेंडर्स की टीम अब हमें एमसीयू के अंदर किसी बड़े इवेंट में नजर आने वाली है। द डिफेंडर्स टीम के अंदर अब तक सिर्फ 4 सुपर हीरोज को ही दिखाया गया है, लेकिन बात करें कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस टीम में और भी बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं और इस टीम की शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं ताकि वो दुनिया को एक्स्ट्रा डायमेंशनल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सके। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एमसीयू की सबसे फनी सुपर हीरोज की टीम है और इन सभी सुपर हीरोज की आपस की केमिस्ट्री भी बहुत कमाल की है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सबसे पहले दिखे थे साल 2014 के अंदर। और बात करें इस टीम के मेंबर्स की, तो वो है स्टार लॉर्ड, रॉकेट रकून, ग्रूट, ड्रैक्स, मेंटिस, गमोरा और नेब्यूला। और इन सबके अलावा थॉर भी कुछ वक्त के लिए इस टीम का मेंबर रह चुका है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक ऐसी सुपर हीरो टीम है जो की गैलेक्सी को सभी तरह के प्लेनेटरी थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है और अब तक की अपनी 2 मूवीज के अंदर ये जेंडार प्लेनेट को रोनन से प्रोटेक्ट कर चुके हैं और ईगो जैसे सेलेस्टियल को भी डिफीट कर चुके हैं। और इसके भी ऊपर ये टीम एवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस का भी सामना कर चुकी है। फैंटास्टिक फोर। तो फैंटास्टिक फोर मार्वल कॉमिक्स की सबसे पहली सुपर हीरो टीम है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी साल 1961 में आई फैंटास्टिक फोर के इशू 1 में। फैंटास्टिक फोर कुछ एडवेंचरस लोगों की एक ऐसी टीम है जिन्हें उनकी पावर्स एक कॉस्मिक रेडिएशन से मिलती है। बात करें इस टीम के मेंबर्स की, तो इस टीम के अंदर 4 मेंबर्स हैं जो कि है रीड रिचर्ड्स एके मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म एके द इनविजिबल गर्ल, जॉनी स्टॉर्म एके द ह्यूमन टॉर्च और लास्ट में है बेन ग्रिम यानी द थिंग। एक बार अपनी पावर्स को गेन करने के बाद ये सुपर हीरो टीम यूनिवर्स के बहुत से हिस्सों को एक्सप्लोर करती है। उसी दौरान बहुत से विलन से लड़कर उन्हें डिफीट करती है और अर्थ को हर तरह के इंटरगैलेक्टिक थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है। अभी से कुछ साल पहले तक फैंटास्टिक फोर के राइट्स फॉक्स स्टूडियो के पास थे और फॉक्स ने फैंटास्टिक फोर के ऊपर कई मूवीज भी बनाई थी, लेकिन अब राइट्स फिर से मार्वल के पास है और मार्वल अब फैंटास्टिक फोर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस भी करने वाला है। अब यहाँ कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि फैंटास्टिक फोर की टीम तो अब तक एमसीयू में अपीयर हुई भी नहीं है, तो फिर हम इस टीम को एमसीयू का पार्ट कैसे बोल सकते हैं? तो इसका जवाब देते हुए मैं आपको बता दूं कि मार्वल ने अपने सभी कैरेक्टर्स की अब तक की सारी पुरानी मूवीज को कैनन कर दिया है, जिसका मतलब फॉक्स स्टूडियो ने मार्वल के जिन जिन कैरेक्टर्स को लेकर मूवीज बनाई थी वो सभी मूवीज मार्वल ने एमसीयू से कनेक्ट कर दी है। इसीलिए फैंटास्टिक फोर और एक्समैन जैसी सारी मूवी फ्रेंचाइजी अब एमसीयू का पार्ट बन चुकी है और इसमें सिर्फ मूवीज का ही नहीं बल्कि सीरीज का भी नाम आता है, जैसे कि द डिफेंडर्स और इनह्यूमंस। यहाँ पर इनह्यूमंस का केस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज इनह्यूमंस की सीरीज को रीबूट करने का प्लान कर रहा है। इल्यूमिनाटी। तो एमसीयू की इल्यूमिनाटी अभी हाल ही में आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर हुई है, जहां उस टीम के मेंबर्स हैं प्रोफेसर एक्स, कैप्टन कार्टर, मारिया रेम्ब्यू, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक बोल्ट और बैरन मोडो। मूवी के अंदर ये इल्यूमिनाटी टीम अर्थ 838 की सुपर हीरो टीम होती है जो कि अपने यूनिवर्स के अंदर उन थ्रेट से डील करती है जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं। और इसीलिए जब अपने मेन यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज उनके यूनिवर्स में पहुंच जाता है तब वो उन्हें डिटेन कर लेते हैं और उन्हें खत्म करने का प्लान करते हैं। लेकिन मूवी से हटकर यही अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाली इल्यूमिनाटी टीम एमसीयू की इल्यूमिनाटी टीम से थोड़ी डिफरेंट है। और जहां तक बात करें उस टीम के मेंबर्स की, तो उस टीम के अंदर प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड्स और ब्लैक बोल्ट के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और नेमोर भी होते हैं और ये सभी सुपर हीरोज अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर जो इल्यूमिनाटी टीम हमें दिखाई गई थी वो वांडा से फाइट के दौरान खत्म हो जाती है, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि हमें आगे चलकर एमसीयू में एक दूसरी इल्यूमिनाटी टीम भी दिख सकती है। इनह्यूमंस।
तो इन ह्यूमंस मार्वल कॉमिक्स के अंदर सुपर ह्यूमंस की एक ऐसी रेस है जिसे क्री ने ह्यूमंस पर जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। और क्री के ऐसा करने के पीछे का मोटिव भी सिर्फ यही था कि वो क्री और स्क्रल्स के वॉर में ह्यूमंस को सोल्जर की तरह यूज करना चाहते थे। बात करें इन ह्यूमंस की तो ये सभी इन ह्यूमंस एक साथ मिलकर रहते हैं और इन सभी को एक इन ह्यूमन फैमिली रूल करती है जिसे द रॉयल फैमिली कहते हैं। और जिस जगह पर ये सभी इन ह्यूमंस रहते हैं उस जगह को एटलियन कहा जाता है। इन सभी इन ह्यूमंस का किंग ब्लैक बोल्ट है और इनकी क्वीन और ब्लैक बोल्ट की वाइफ का नाम मेड्यूसा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ब्लैक बोल्ट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इल्यूमिनाटी टीम का मेंबर था। और ब्लैक बोल्ट को उस मूवी में दिखाने का रीजन ये हो सकता है कि मार्वल अब जल्दी ही इन ह्यूमंस को भी एमसीयू में लाने वाला है। एक्स मैन म्यूटेंट्स की एक ऐसी टीम है जिसे म्यूटेंट्स और ह्यूमंस के बीच शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था और इस टीम की शुरुआत की थी प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर ने। एक्समैन मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक्समैन की टीम एवेंजर्स और जस्टिस लीग के बाद वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर सुपर हीरो टीम है। म्यूटेंट्स बेसिकली ह्यूमंस ही होते हैं लेकिन इनके अंदर एक एक्स जीन पाया जाता है जिसकी वजह से इनके अंदर बाय बर्थ कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज होती हैं और इनकी पावर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। पर म्यूटेंट्स के अंदर ऐसी खास पावर्स होने की वजह से बहुत से ह्यूमंस इन म्यूटेंट्स से डरते हैं और इनसे नफरत करते हैं लेकिन ज्यादातर म्यूटेंट्स ह्यूमंस के साथ पीसफुली रहते हैं। बात करें एक्समैन टीम के मेंबर्स की तो इस सुपर हीरो टीम के कुछ पॉपुलर मेंबर्स हैं वुल्वरीन, जीन ग्रे, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और प्रोफेसर एक्स। एक्समैन के राइट्स भी मार्वल फिर से एक्वायर कर चुका है इसीलिए अब मार्वल बहुत ही जल्द एक्समैन की पूरी टीम को एमसीयू के अंदर दिखाने वाला है। इटर्नल्स। तो इटर्नल्स एमसीयू के वो पावरफुल सुपर हीरोज हैं जो कि अर्थ पर हजारों सालों से सीक्रेटली रहते आ रहे हैं। इन इटर्नल्स का सिर्फ एक ही काम है ह्यूमंस को डेवियंट से प्रोटेक्ट करना। इटर्नल्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे जुलाई 1976 में आई द इटर्नल्स के इशू 1 में। और बात करें एमसीयू में दिखने वाले इटर्नल्स टीम के मेंबर्स की तो वो है थीना, सरसी, ड्रूग, गिलगमेश, इकरिस, एजेक, स्प्राइट, किंगो और मक्कारी। इटर्नल्स मार्वल के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो टीम्स में से एक है इसीलिए ये टीम हमें एमसीयू के बड़े इवेंट्स में जरूर दिखेगी। द एवेंजर्स। तो साल 2012 के अंदर जिन सुपर हीरोज की टीम ने एक साथ मिलकर दुनिया को बचाया था उस टीम को हर मार्वल फैन एवेंजर्स के नाम से जानता है। एवेंजर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले अपीयर हुई थी साल 1963 में आई द एवेंजर्स इशू 1 में और उस वक्त पर इस टीम के अंदर सिर्फ आयरन मैन, हल्क, थॉर, वास्प और एंटमैन ही थे। बट वक्त के साथ एवेंजर्स टीम में और भी सुपर हीरोज जुड़ते चले गए। और यही बात करें एमसीयू की तो साल 2012 में जब एवेंजर्स पहली बार फॉर्म हुई थी तब भी इस टीम के अंदर सिर्फ 6 ही सुपर हीरोज थे जो कि थे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई। पर अभी के वक्त पर इस टीम के अंदर बहुत सारे सुपर हीरोज शामिल हैं और इसीलिए अब आने वाले एमसीयू प्रोजेक्ट्स में इस टीम के सुपर हीरोज की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और अगली एवेंजर्स मूवी के अंदर हमें वो सभी सुपर हीरोज एक साथ यूनाइट होते हुए नजर आ सकते हैं। मिडनाइट सन्स। तो मिडनाइट सन्स कुछ पावरफुल सुपर हीरोज की एक ऐसी टीम है जिसे लिलिथ नाम की एक पावरफुल डीमन को रोकने के लिए बनाया जाता है। लिलिथ मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक पावरफुल और मिस्टिकल कैरेक्टर है जो कि बहुत सालों तक एक कैद में होती है और जब इसके कैद से आजाद होने की भविष्यवाणी होती है तब मार्वल कॉमिक्स के 9 पावरफुल सुपर हीरोज एक साथ आकर एक टीम बनाते हैं और लिलिथ को हराते हैं। और बात करें इस टीम के पावरफुल मेंबर्स की तो इस टीम के अंदर मून नाइट, ब्लैक नाइट, ब्लेड, वेयरवुल्फ, घोस्ट राइडर, वुल्वरीन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल सुपर हीरोज होते हैं। मिडनाइट सन्स मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो टीम है लेकिन कॉमिक्स में इस टीम के अंदर एक भी फीमेल सुपर हीरो नहीं होती। पर अब ऐसा लगता है कि जो मिडनाइट सन्स की टीम हमें एमसीयू में दिखने जा रही है उसके अंदर मार्वल फीमेल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करने वाला है और ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि हाल ही में आई मार्वल की मिडनाइट सन्स गेम के अंदर मार्वल ने मेल सुपर हीरोज के साथ साथ फीमेल सुपर हीरोज को भी ऐड कर रखा था। यंग एवेंजर्स। यंग एवेंजर्स यंग सुपर हीरोज की टीम है और ये टीम मार्वल कॉमिक्स के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। यंग एवेंजर्स की टीम एमसीयू के अंदर अभी तक प्रॉपर्ली यूनाइट तो नहीं हुई है लेकिन इस टीम के बहुत से मेंबर्स एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और इसीलिए वो दिन दूर नहीं जब ये सभी यंग सुपर हीरोज हमें एक साथ एक टीम के तौर पर दिखेंगे। बात करें यंग एवेंजर्स के उन टीम मेंबर्स की जो कि एमसीयू में अपीयर हो चुके हैं तो वो मेंबर्स हैं टॉमी एंड बिली यानी कि स्पीड और विकन, केट बिशप और अमेरिका शेवेज और अभी आने वाले वक्त में मिस मार्वल और रीरी विलियम्स जैसे कैरेक्टर्स भी इस टीम के अंदर दिखने वाले हैं। तो यही एमसीयू के पावरफुल सुपर हीरो टीम्स की लिस्ट थी। आपके लिस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इन सभी टीम्स में से आपकी फेवरेट सुपर हीरो टीम कौन सी है ये भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के फैन हैं और उनसे जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जंस ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, टॉप 15 फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलेंस ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मैजिकल आइटम्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी वीडियोस बना रखी हैं। आप इन सभी वीडियोस को हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप थॉर के फैन हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जंस ऑफ थॉर, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन वेपन्स, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु लिफ्टेड म्योनिर,
वेनम वर्सेस थॉर और थॉर वर्सेस माइटी थॉर जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस बना रखी हैं। आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।